तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे राजनीति, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, पॉलिटिकल जीके। तो इसमें अभी तक हम लोग 400 क्वेश्चंस के करीब ख़त्म कर चुके हैं। आज देखेंगे 401 से आगे। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो आपका मत्स्य, सट्टेबाजी भी है, बीमा नहीं है आपका, कृषि भी है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 401 में होगा सी। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है तीसरा, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो यह आपकी 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन है हमारा चौथा, क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखना 22, 22। सी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा पांचवा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखना अनुच्छेद 343(1) में, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन है हमारा छठवा, क्या है? किस भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार है? तो याद रखना राज्य विधानमंडल को। क्वेश्चन है आपका सात, क्या है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ये उर्दू आपकी है, भोजपुरी नहीं है, ठीक है, कोंकणी है, नेपाली है, तो इसमें बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है हमारा आठ, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो याद रखना उर्दू, क्या है? उर्दू। क्वेश्चन है हमारा नौवा, क्या है क्वेश्चन? कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? गुजराती है, डोंगरी है, राजस्थानी नहीं है, कश्मीरी भी है, तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 10, क्या है? भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर में, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 11, क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो याद रखना 3, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राज्य संविधानिक आपातकाल, ये सभी, तो इसमें 12 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 13, क्या है? अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो याद रखिए 3 बार, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 14, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 15, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, ये सभी, इसमें होगा आपका 15 में डी। 15 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है हमारा 16, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष
उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है एक माह के अंदर। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 17, क्या है? देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को जब चीन से युद्ध हुआ तब की गई थी, ठीक, पहली बार। क्वेश्चन है हमारा 18, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? तो याद रखिए वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लागू हुआ है भारत में अभी तक, ठीक है। क्वेश्चन है 19, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के। क्वेश्चन है हमारा 20, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो याद रखना राज्य के राज्यपाल के। क्वेश्चन है हमारा 21, किसी समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो याद रखना प्राक्कलन समिति को, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो याद रखना प्राक्कलन समिति, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 23, लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22, 22 कितने होते हैं? 22, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोकलेखा समिति है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है, प्राकलन समिति है, तो इसमें होगा आपका बी, 24 का बी होगा। क्वेश्चन है 25, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? तो याद रखना लोक लेखा समिति, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 26, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत। क्वेश्चन है 27, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 28, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्लेख जारी नहीं कर सकता है? निषेधाज्ञा, ठीक है, परमादेश करता है, प्रतिषेध करता है, परमादेश भी करता है, इसमें ये होगा, ठीक। क्वेश्चन है 29, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल आपके अब 25 उच्च न्यायालय हो गए, कितने? 25 उच्च न्यायालय हो गए, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है इसमें, याद रखिए 25 उच्च न्यायालय हैं, कितने हैं? ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 30, क्या है? 30 सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो याद रखना संचित निधि से, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 31, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखना भारत की संसद के पास, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 32, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो याद रखना 65 वर्ष, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 33, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो याद रखना सिक्किम उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन है हमारा 34, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो याद रखना दिल्ली का, किसका है? दिल्ली का। 35, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, कब हुई थी? 1916 में। क्वेश्चन है हमारा 36,
भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो याद रखना इलाहाबाद का उच्च न्यायालय। क्वेश्चन है हमारा 37, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, तो याद रखना महाराष्ट्र व गोवा। क्वेश्चन है हमारा 38, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय आपका बिलासपुर में है, कहाँ है बिलासपुर में। क्वेश्चन है हमारा 39, उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थापना कहाँ की गई है, नैनीताल में। क्वेश्चन है हमारा 40, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका जबलपुर में, ठीक है, ग्वालियर और इंदौर में इसकी खंडपीठ है। क्वेश्चन है हमारा 41, क्या है क्वेश्चन नंबर, केरल का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, केरल का उच्चतम न्यायालय एर्नाकुलम में है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 42, क्या है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन है हमारा 43, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है, तो याद रखना संसद को, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 44, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है, तो याद रखिए इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन है हमारा 45, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति को, किसे है भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन है 46, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो यह है आपकी लीला सेठ, कौन है लीला सेठ। क्वेश्चन है हमारा 47, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य के अनुशासित प्रदेशों के लिए है, तो याद रखना गुवाहाटी। क्वेश्चन है हमारा 48, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, तो याद रखना अधीनस्थ न्यायालय को, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 49, भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, तो 3। क्वेश्चन है हमारा 50, भारत में चलित न्यायालय इनका मानसपुंज है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। क्वेश्चन है 51, क्या है राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है, तो याद रखना राज्यपाल। क्वेश्चन है हमारा 53, राज्यपाल होने सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है, तो याद रखना सरोजिनी नायडू का। क्वेश्चन है 54, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, विधानमंडल। 55, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। क्वेश्चन है 56, क्या है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाता है, 6 सप्ताह में, कितने में 6 सप्ताह में। अगर राज्यपाल द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया गया है और जब आपकी विधानसभा हो या फिर वो विधान परिषद हो, जब ये अपने सत्ता में आते हैं तो उसके 6 सप्ताह के अंदर इसे पास होना अनिवार्य है, वरना ये अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 57, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता था, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन है हमारा 58, राज्यों के मुख्यमंत्री
नियुक्त होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री, इसमें एक सेकंड रुकिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 59 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका, राज्य के गवर्नर को कौन सा पद दिलाता है? तो याद रखना, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 60, राज्यपाल का पद गाड़ी के पांचवें पहिए के समान बनकर रह गया है था नेहरू युग में। किसमें? नेहरू युग में, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 61, मध्य प्रदेश के पिता मुख्यमंत्री थे? तो याद रखना, रविशंकर शुक्ल। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 62, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण। क्वेश्चन है हमारा 63, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर है आपका 64, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा है? तो याद रखना, ज्योति बसु का रहा था, इनमें से ज्योति बसु है। क्वेश्चन है हमारा 65, किसको समाप्त किया जा सकता है, प्रभंग नहीं? तो याद रखना, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं, ठीक है, स्थायी होता है। क्वेश्चन है हमारा 66, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन है हमारा 67, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3। 68, वह कौन सा राज्य, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है? तो याद रखना, राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन है 69, क्या है? संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को, पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 70, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो ये राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में है। क्वेश्चन है हमारा 71, क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? क्या है? तो उत्तर प्रदेश में है आपकी, बिहार में है, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में नहीं है। किस में नहीं है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? विधानसभा, तो याद रखना, गोवा में है, दिल्ली में है, पांडुचेरी में है, लेकिन लक्षद्वीप में नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है हमारा 73, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो याद रखना, विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा उपाध्यक्ष अपना पत्र देता है, त्याग पत्र, विधानसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन है आपका 74, इस अस्थायी विधान सभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। 75, क्या है? किस राज्यपाल की विधानसभा में दो महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो याद रखना, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, याद रखना, अभी जो यहाँ विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ है, उसके बाद अब नए चुनाव होंगे, उसमें पता चलेगा कि अब क्या बदलाव आ रहा है, क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुआ है, तो पहली की तरह मानेंगे हम लोग। क्वेश्चन है आपका 76, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखना, 60, लेकिन कई जगह अपवाद भी है। क्वेश्चन है हमारा 77, भारत सरकार की प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो याद रखना, भारत के महान्यायवादी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 78, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा
79 जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? संभागायुक्त। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 80, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। बी ऑप्शन सही है। याद रखिए आपकी जितनी भी PDF होती है वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, ठीक है, वहाँ से देखते रहिए। 81, राज्य की उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये होता है आपका एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन है 82, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 83, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो याद रखना संसद को। किसे है? संसद को। क्वेश्चन है 84, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 85, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों में किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? भारत का उच्चतम न्यायालय। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 86, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन इस बैठक को बुलाता है आपका राष्ट्रपति। क्वेश्चन है हमारा 87, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो याद रखना अटॉर्नी जनरल। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 88, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 89, निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन है आपका 90, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो याद रखना मंत्रिपरिषद के पास। 91 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता और गैर सदस्य करता है? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्यसभा की। क्वेश्चन है आपका 52, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो याद रखना 14 दिन में। क्या है 92 का? डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है आपका 93, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो याद रखना राज्य की विधानसभाएं। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 94, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाता है? संसद। 95, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2। क्वेश्चन है हमारा 96, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से, ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन होगा 96 में। क्या होगा? डी। क्वेश्चन है आपका 97, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, पंजीकरण, वंशाक्रम, संपत्ति स्वामित्व नहीं है, इसमें क्या होगा? 97 में बी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 98, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 सन 2000 में हुआ था। क्वेश्चन है आपका 99, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 आपका धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। क्वेश्चन है आपका 500, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है?
तो ये है आपकी पांचवी, बी ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके 500 क्वेश्चंस, इससे आगे हम लोग बात करेंगे 501 से आगे, ठीक है।